वक्त हम मौजूद हैं सिटी ब्यूटीफुल में, जहां पर चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल और कुछ साल पहले इसको ग्रीन सिटी भी कहा जाता था। माना जाता था कि यहां की हवा जैसी शुद्ध हवा किसी और राज्य में नहीं है, लेकिन कुछ सालों से यहां पे प्रदूषण जो है बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 26, जिसे ट्रांसपोर्ट चौक भी कहा जाता है, और यहाँ पर जो है हज़ारों गाड़ियों की आवाजाही यहाँ पर होती है, जिससे कि प्रदूषण जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रदूषण का स्तर यहाँ पे अलग ही लेवल पर है। यहाँ के आसपास के लोगों को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन यहाँ के लोगों को सांस की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी पहल की है। एयर प्योरीफाई टावर यहाँ पर लगाया जाएगा, जिसका भूमि पूजन बसंत पंचमी वाले दिन हो गया था और इसकी बैरिगेटिंग भी जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। अब इस टावर को अप्रैल के अंत तक यहां पे स्थापित किया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इसकी बैरिगेटिंग भी की गई है और इसके निर्माण स्थल को किस तरह से यहां पे बना दिया गया है। इसकी लागत का खर्चा जो भी है कंपनी उठाएगी और जो प्रशासन है सिर्फ बिजली मुहैया करवाएगा यहाँ पे। और अगर इसके सकारात्मक नतीजे यहाँ पे रहते हैं तो प्रशासन का कहना है कि यहाँ पे जितने भी जहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण का केंद्र है वहाँ पर भी ऐसे प्योरीफाई टावर स्थापित किए जाएंगे, लेकिन इसके नतीजों को देखना होगा यहाँ पे कि किस तरह के नतीजे यहाँ पे रहते हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ पर पहले भी सोलर पैनल और साइकिल ट्रैक जैसी सुविधा लोगों को प्रशासन द्वारा मुहैया करवाई गई थी, लेकिन आज वो सब जो है व्यर्थ नजर आती हैं। साइकिल वालों को मेन रोड से होकर जाना पड़ता है, तो देखना होगा कि कितने इसके जो परिणाम है इस टावर के किस तरह से सकारात्मक आते हैं या फिर नकारात्मक आते हैं, या फिर प्रशासन की सिर्फ कमाने का साधन ये बनता है। लगभग 24 मीटर ऊंचा ये प्योरीफाइड टावर होगा और 500 मीटर के दायरे की हवा को ये इनटेक करेगा, और बकायदा इस पे डिस्प्ले भी होगा कि कितनी प्रदूषित हवा ये इनटेक कर रहा है और कितनी शुद्ध हवा जो है बाहर निकल रही है। अप्रैल के अंत तक इस टावर को स्थापित कर दिया जाएगा। देखिए चंडीगढ़ से अंकिता शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट।